समिति सभापति प्रकाश भोयर द्वारा आयोजित पत्र परिषद के दौरान अपने कार्यकाल का लेखा जोखा बयान करते हुए कहा कि इस साल में अमृत योजना के अंतर्गत करीबन 272 करोड़ रुपए के कार्य किए गए हैं। ऐसे विविध कार्यों की जानकारी प्रकाश भोयर द्वारा साझा की गई। साई समिति सभापति प्रकाश भोयर द्वारा आज पूरे साल का लेखा जोखा आयोजित पत्र परिषद के दौरान साझा किया गया। इस दौरान भोयर द्वारा अपने कार्यकाल में किए गए कार्य एवं मंजूरी दिए हुए कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना के चलते बीते 2 साल से किसी भी तरह के कार्य नहीं हो पाए, लेकिन इस साल करीबन 325 से 350 करोड़ के कार्य पूरे करने का प्रयास किया गया, जिनमें 350 करोड़ के कार्य के कार्यादेश देकर पूरे किए गए। पूर्ण वर्ष भरात जेव्हा बजेट तयार करत होतो तेव्हा कोरोना फार मोठ्या उच्च पातळीवर होता आणि अनेक लोक मृत्युमुखी पडत होते। त्या काळात बजेट बनवलं तर या नागपूर शहरात कोणते विकासाचे काम करेल असा प्रश्नचिन्ह माझ्यासमोर निर्माण झाला, पण देवाच्या कृपेने कोरोनाची लाट संपली आणि नंतर आम्ही काम सुरू केलं। त्या काम सुरू झाल्यानंतर मागच्या 2 वर्षापासून नागपूर शहरात कोरोना असल्यामुळे का विकासाची कामे होऊ शकली नाही, पण यावर्षी मी जवळपास 325 ते 350 करोड़ रुपयाचे कामं करण्याचा प्रयत्न केला। बीते 2 साल से शहर के रास्ते काफी खराब हुए थे, ऐसे सभी रास्ते तैयार कर सुंदर नागपुर नागरिकों की सुविधा में तैयार किए गए हैं। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।